देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बता दें डिडवाना से जानकारी है, सरदारपुरा कला का जवान शहीद हुए हैं। तो आपको बता दें कि फरमान खान अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं। इस वक्त की ये दुखद खबर है, सेना की 13 ग्रेनेडियर्स के फरमान खान शहीद हो गए हैं, बर्फीले तूफान का सामना करते शहीद हुए हैं। फरमान की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक और जवान की शहादत यहाँ पर हो गई है। तो फरमान खान अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए हैं। संवाददाता राहुल माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से फरमान खान शहीद हो गए हैं, बताया जा रहा है कि बर्फीले तूफान का सामना करते शहीद हुए हैं वो, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर बाद में एक तरह का हादसा डीडवाना के नजदीकी गांव सरदारपुरा कला के फरमान खान का जो सामने आया, जो जिसने शहादत दी है। बर्फीले तूफान का कोई मामला है, जिसमें बर्फीले तूफान के दौरान वो कहीं फंस गए थे और कहीं भूखलन होने की भी बात आ रही है, तो उसने शहादत दी है। जी, उनका शव अब कब तक घर लाया जा सकता है, कोई जानकारी? जी प्रद्युम्न, आपको बता दूं कि मिली जानकारी के मुताबिक आज देर रात जयपुर बाई एयर शव जयपुर पहुंचने की बात सामने आ रही है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और परिजनों के की बात करें तो परिजनों को हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक घर वालों को, जेंट्स को के अलावा बाकी किसी को जानकारी दी नहीं गई है। इसलिए गांव में जैसे शोक का मातम बना हुआ है और उसको लेकर के आला अधिकारी जो है, सेना के जो जवान है, सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी से मेरी बात हुई, बात के दौरान सामने आया है कि कल उनका पार्थिव देह गांव में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। राहुल, अब वैसे दुखद जानकारी है, परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है? जी, इस बारे में हालांकि एक मामला एक सामने निकल करके आया है कि जो जवान शहीद हुआ है उसकी धर्म पत्नी के कल ही शाम को एक डिलीवरी हुई है, इसलिए उससे बात छुपाई गई है और उसके जो घर की महिलाओं को इस बात की जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। हाँ, युवा भाई जो है या पिताजी है उनको इस बात की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन इस तरह की बात अभी सामने रूबरू नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।